तो ये है उन्नाव का फेमस गैलेक्सी कैफे, काफी बड़ा बना है और बहुत ही ज्यादा प्यारा है। यहाँ की बहुत सारी पोस्ट आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर देखी होंगी। तो हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो ये है हमारा कुल्हड़ पिज्जा और कुल्हड़ पास्ता और यहाँ पर हमारी मॉकटेल रेडी हो रही है। हेलो उन्नाव वालों, कैसे हो आप? तो एक बार फिर से हम आगे उन्नाव की एक और बहुत प्यारी वीडियो के साथ। तो उन्नाव वालों, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं गैलेक्सी कैफे, जहाँ की बहुत सारी प्यारी प्यारी पोस्ट आपने सोशल मीडिया पर जरूर देखी होंगी। आज हम आपको वहीं लेकर चलते हैं। तो पीछे आपने पार्क्यू पैलेस देखा और ये भरत मिलाप अली रोड है। अब यहाँ से बस 100 मीटर आगे गैलेक्सी कैफे है, तो चलिए चलते हैं। तो हम पहुँच गए गैलेक्सी कैफे के बिल्कुल सामने। तो आप देख सकते हो बाहर से देखने में गैलेक्सी कैफे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है गैलेक्सी कैफे। तो रेस्टोरेंट फर्स्ट फ्लोर पर है, तो हमें चलना है ऊपर, तो चलिए चलते हैं। तो काफी सारे फॉलोअर्स से कमेंट आ रहे थे कि एक वीडियो यहाँ का गैलेक्सी कैफे का बनाया जाए। फाइनली आज मौका मिला है आपकी फरमाइश का वीडियो बनाने का। तो अभी आई थिंक 4 बजे है, तो यहाँ से निकलते निकलते रात हो जाएगी। तो अभी हम आ गए हैं ऊपर जिस फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट है। यहाँ रेस्टोरेंट के बाहर भी काफी स्पेस है, यहाँ पर खड़े होकर आप हर का व्यू एंजॉय कर सकते हो। चलिए अब चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। ये है उन्नाव के गैलेक्सी कैफे का फर्स्ट व्यू, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ की बहुत सारी पिक्चर्स आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, वो सारी जगह अभी आपको दिखाएंगे हम। तो काफी अच्छी लाइटिंग है यहाँ पर, काफी अच्छे से सब कुछ यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। नेचुरल लाइटिंग का भी ऑप्शन है यहाँ पर, जो कि उन्नाव में काफी कम रेस्टोरेंट में देखने को मिलता है। सीटिंग अरेंजमेंट काफी अच्छी है, यहाँ बाहर आराम से 15 से 20 लोग बैठ सकते हैं। काफी अच्छा स्पेस है यहाँ पर। तो पहले आपको पूरा रेस्टोरेंट दिखाएंगे कैसा बनाए, उसके बाद कुछ ऑर्डर करेंगे और आपको फीडबैक देंगे। तो यहाँ पर वॉल भी काफी अच्छे से डेकोरेट की गई है, बहुत प्यारी लग रही है। तो जब आप यहाँ आए तो पिक क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरफ मिरर से काफी अच्छा पार्टीशन किया गया है, जो कि देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो आपकी पिक्चर्स यहाँ पर से बहुत अच्छी आने वाली है। तो ये है अंदर का एरिया, आप देख सकते हो कैसा है। तो यहीं पर की आपने बहुत सारी पोस्ट सोशल मीडिया पर देखी होंगी, तो आप इसे पार्टी वगैरह के लिए भी बुक कर सकते हो पहले से ही। और यहाँ की टाइमिंग का क्या सीन है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और किसी भी तरह की क्वेरी या फिर क्वेश्चन के लिए मैं इनका नंबर यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस नंबर पे कॉल करके यहाँ डायरेक्ट बात कर लोगे। और यहाँ पर आसानी से आने के लिए आप गूगल मैप का भी यूज कर सकते हो। ओवरऑल देखने में रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, काफी पीसफुल जगह है और काफी पॉजिटिव फीलिंग आएगी आपको। तो उन्नाव वालों, आप लोग एक बार अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर जरूर आए, आपको ये रेस्टोरेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। पार्टी वगैरह के लिए आपको यहाँ पर डेकोरेशन की भी फैसिलिटी मिल जाएगी, बस आपको एक बार रेस्टोरेंट में आके बात करनी है। तो बातें बहुत हो गई, अब चलते हैं और कुछ खाते हैं। तो प्लान ये है कि हम लोग यहाँ का कुल्हड़ पिज्जा ट्राई करेंगे और साथ में फर्स्ट टाइम सुना है कि कुल्हड़ पास्ता भी मिलता है, तो वो भी खा के देखेंगे कि कैसा होता है। तो ये दो चीज हम लोग ऑर्डर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं यहाँ का मेन्यू कार्ड। तो ये है यहाँ का गैलेक्सी कैफे का मेन्यू कार्ड। सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुत सारे पिज्जा के ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे कॉम्बो के ऑप्शन मिल जाएंगे। कुल्हड़ में आपको यहाँ पर कुल्हड़ पास्ता, कुल्हड़ पिज्जा मिल जाएगा और दोनों ही चीजें अभी हम लोग खाने वाले हैं। मॉकटेल भी है यहाँ पर, जिसकी वीडियो आपने इंस्टाग्राम पे देखी थी। डिजर्ट है, मैगी के बहुत सारे ऑप्शन है, स्टार्टर के ऑप्शन है, सैंडविच है, स्टार्टर है, चाइनीज है, मोमोज के बहुत सारे ऑप्शन है, आइसक्रीम के ऑप्शन है, टी है, कॉफी है, बर्गर है, पास्ता है, बेवरेज है। तो काफी अच्छा मेन्यू है यहाँ का, आपके पसंद का सब कुछ मिलने वाला है यहाँ पर। तो हमने ऑर्डर किया है यहाँ का कुल्हड़ पास्ता और कुल्हड़ पिज्जा, बस थोड़ी देर में हमारा ऑर्डर आ जाएगा और लास्ट में हम ट्राई करेंगे यहाँ की मॉकटेल, वो आप लोग जरूर देखना। सो हमारा ऑर्डर आ चुका है। तो हमने ऑर्डर किया था कुल्हड़ पास्ता और कुल्हड़ पिज्जा, तो आप देख सकते हो ये कैसा है। तो चलिए अब खा के देखते हैं ये खाने में कैसा है। तो सबसे पहले इसके ऊपर से डालते हैं थोड़ी सी ऑर्गेनो, और ऑर्गेनो के बाद अब इसके ऊपर से डालते हैं थोड़ी सी चिली, और चिली के बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके ऊपर से डालते हैं थोड़ी सी टोमेटो सॉस। तो हमारा कुल्हड़ पिज्जा और कुल्हड़ पास्ता रेडी है एंजॉय करने के लिए। चलिए पहले खाते हैं कुल्हड़ पिज्जा। तो काफी गर्म है ये, चलिए इसकी बाइट निकालते हैं। तो ये है गैलेक्सी कैफे का कुल्हड़ पिज्जा, चलिए अब इसे खा के देखते हैं। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा है खाने में और बिल्कुल गर्मा गर्म है, तो खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। और कुल्हड़ पिज्जा खाने में वैसे ही बहुत अच्छा होता है। चलिए अब कुल्हड़ पिज्जा के बाद खाते हैं कुल्हड़ पास्ता। तो शायद आपने पहली बार सुना हो कुल्हड़ पास्ता। तो ये है हमारा कुल्हड़ पास्ता, बिल्कुल गर्मा गर्म इसे सर्व किया गया है। तो चलिए अब खा के देखते हैं ये कैसा है। ये भी बहुत बढ़िया है, खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप लोग इसे गैलेक्सी कैफे में जरूर ट्राई करें। तो जल्दी से इसे खाते हैं, फिर चलते हैं मॉकटेल की तरफ। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अपनी मॉकटेल के पास, जहाँ पर हमारी मॉकटेल रेडी हो रही है। तो ये भैया हैं जो हमारी मॉकटेल बनाकर दिखाएंगे, तो आप लोग इसे एंजॉय करो। तो ये है हमारी उन्नाव के गैलेक्सी कैफे की मॉकटेल, चलिए अब इसे पी के देखते हैं।
बहुत बढ़िया। उन्नाव वालों आप लोग गैलेक्सी कैफे आकर यहाँ की मॉकटेल जरूर ट्राई करना, उन्नाव वालों आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। तो रेस्टोरेंट मैंने आपको दिखाई दिया है कैसा बनाए, बट यहाँ का फूड भी काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और प्राइसिंग भी काफी कम है। तो ओवरऑल आपके लिए ये रेस्टोरेंट काफी बजट फ्रेंडली होने वाला है। तो उन्नाव वालों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और यहाँ आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। और उन्नाव वालों आप लोग कमेंट करके बताइए कि उन्नाव का नेक्स्ट वीडियो आपको कहाँ का चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ का वीडियो बनाया जाए। और अभी तक आपने उन्नाव स्ट्रीट व्यू को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया हो तो जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पर कभी कभी वीडियो आती है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे उन्नाव की डेली की एक्टिविटी आया करती है। तो उन्नाव वालों कमेंट जरूर करें और फॉलो जरूर करें और उन्नाव के इस लोकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत जल्द मिलते हैं उन्नाव की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए उन्नाव वालों बाय बाय।